तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अगर आप भी एक अपस्टॉक यूजर हैं और अपने दोस्तों के साथ में रेफर करते हैं तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। क्यों? क्योंकि अपस्टॉक का एक नया जो अपडेट आया है उसको लेकर सभी लोग हैं जो चिंतित हैं, जो भी हमारे दोस्त लोग हैं उनको एक परेशानी में डाल दिया अपस्टॉक ने। क्यों? क्योंकि जो उनका उन्होंने रेफ़र किया था 800 प्लस 400 वाला 1200 वाले, तो उसमें क्या है कि हम जैसे करते रेफ़र करके छोड़ देते थे, लेकिन अब उसमें एक नियम हो गया कि भाई एक महीने पहले क्या उनका एक साल के अगर एक साल तक आप उनका अकाउंट कभी भी ओपन कर सकते हैं एक साल के अंदर अंदर, लेकिन अब उस अकाउंट को अगर आपने रेफ़र किया है तो एक महीने के अंदर उस अकाउंट को ओपन करना है। अगर आप ओपन नहीं करते तो वहाँ पर वो एक्सपायर हो जाएगा और उसका आप बेनिफिट नहीं ले सकते। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कि अब स्टॉक होता है उसको एक्सपायर हुए का बेनिफिट आप ले सकते हैं, वो किस प्रकार ले सकते हैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो 1 जनवरी 2021 से अब स्टॉक ने एक नया जो टर्म एंड कंडीशन वो बना दिया है कि अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं तो एक महीने के अंदर वो रेफ़र आपको कंप्लीट करना होगा। लेकिन आपने क्या हुआ कि आपने उस बंदे को रेफ़र कर दिया, आपने सोचा कि जब इसका 249 प्लस GST वाला जो कि एक अकाउंट ओपनिंग चार्ज लेता था उसको आपने छोड़ने के लिए एक महीने के अंदर अंदर आपने क्या हुआ उसका अकाउंट ओपन नहीं किया, तो अब क्या हुआ आपका वो एक्सपायर हो गया, अब उसका आप बेनिफिट्स नहीं ले सकते। लेकिन उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, वो किस प्रकार ले सकते हैं, तो जैसे कि मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एक साल में आप पेंडिंग दिखाता था, एक साल में कभी भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन अब आपको एक नया चीज़ बताने वाला हूँ, क्या है वो ये है कि आप जैसे अपने दोस्त को रेफ़र करते हैं, ठीक है, 249 प्लस GST वाला चल रहा है तो आप उसे छोड़ दीजिए, एक महीने के अंदर अंदर उसको कंप्लीट करना कंपलसरी। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कंप्लीट मत कीजिए, अगर नहीं करोगे तो भी आपका मतलब हो जाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन होगा और आपने एक महीने के अंदर नहीं खोला होगा तो भी उसको हम वापस आपको उसका बेनिफिट है वो आपको दिलाएंगे। तो किस प्रकार दिला सकते, जैसे आपने उसमें सॉरी डिटेल डाल दी, उसका मोबाइल नंबर लिंक कर दिया, उसका मेल आईडी लिंक कर दी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर सब डाल दिया, लास्ट में ई साइन आपने बाकी दे दिया क्योंकि 249 चार्ज लेता था अकाउंट ओपनिंग का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो अब स्टॉक आपने जिसको रेफ़र किया है उसको ओपन कर लेना अकाउंट। तो जैसे आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि जो आपने मेल आईडी उसमें लगाई थी तो वो आपको चेंज कर देनी है। मेल आईडी जैसे आप चेंज करेंगे उस अकाउंट को आप ओपन कर लीजिए। मेल आईडी आप उस जो आपने मेल आईडी पहले लगा रखी थी उस मेल आईडी से आप कभी भी अकाउंट ओपन ना करें, क्योंकि अगर आप वो अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका जो रेफरल अमाउंट है, जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा और आपके 1200 रुपये जाएंगे, आपके हाथ में नहीं आने वाला है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेल आईडी को अपडेट कर देना, और जैसे ही मेल आईडी अपडेट करेंगे उसका अकाउंट ओपन कर दीजिए। और जैसे अकाउंट ओपन होता है आपको पता है आजकल जस्ट 10-15 मिनट में अकाउंट ओपन हो जाता है और एक्टिवेट भी हो जाता है, जो आपको बेनिफिट है वो हैंड टू हैंड आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने दोस्त को रेफ़र किए उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।